बजे ना, तो वी ऑनेस्टली हैव वन आवर। हाँ साला गजब बेइज्जती हो गई। ये इस तरीके से लगा हुआ गगन, यहीं से स्कैन करना है। हो गया मेरे उससे स्कैन करना है और यहीं से ऑर्डर देना है। चलो देखते हैं क्या ऑर्डर करते हैं। क्या है यहाँ पर, तुम क्या खाओगे? मैं खा लूंगा। क्या खा लोगे? वो तो मुझे पता है, खा लेते हैं। मैं भी इतना लार्ज ग्लास कौन पिएगा? मैं इतना लार्ज कैसे पीऊंगा? और वो भी इतनी बर्फ वाला। गाड़ी में डाल लियो कोई भी हो। दिस इज आइस टी, दिस इज कोल्ड ड्रिंक और ये मैक पफ है। चलो तू ये ले, ले स्ट्रॉ ले ले। मेरा कैमरा पर्सन वहाँ तैयार है, तो जल्दी से फोटो खींच लेते हैं। ये पिंच ऑफ स्पाइस है यहाँ का। बहुत ही अच्छा खाना है यहाँ का शादी के बाद। वेलकम बैक टू माई चैनल इंडियन ब्लॉगर सोनाक्षी। और हम जा रहे हैं आज ताज महोत्सव में। देखते हैं ताज महोत्सव में जाके कि कब पहुंचते हैं। एक घंटे का रास्ता हमारे घर से, मतलब रास्ता क्या ट्रैफिक वगैरह को देख के। सब रास्ता तो आधे घंटे का ही, लेकिन जिस टाइम पे हम जा रहे हैं ना, उस टाइम पे तो हमें एक घंटा ही लगेगा एटलीस्ट। और हम दो घंटे हमारे पास, मतलब 10-11 बजे तक तो वो ऑफ ही हो जाता होगा। 10 बजे पैकअप 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 10 बजे ना, तो वी ऑनेस्टली हैव 1 आवर। हाँ लेकिन 1 घंटे में सब कुछ हो जाएगा, घूम लेंगे आराम से। कुछ ऐसा लेना नहीं है पसंद आने की बात। और 3 साल बाद ताज महोत्सव दोबारा से लग रहा है दोस्तों। नहीं, तीन साल बाद नहीं है, 2020 के तो मैं तो हम गए थे, 2021 का नहीं लगा बस सिर्फ कोरोना की वजह से। 2020 वाले में हम गए थे। हाँ 2020 वाले में जब हम गए थे, जाने कब से नहीं गए। जब हम 2020 का फरवरी में लगा था और मार्च में लॉकडाउन हो गया था। अच्छा। और फिर 2021 में लगा ही नहीं, और फिर 2022 में लग रहा है। अभी भी पूरी सेफ्टी के साथ लगा होगा। मैं यही तो देख रही थी अपना, मैं पुराना व्लॉग देख रही थी ना ताज महोत्सव का, तो मैं यही सोच रही थी अरे यार ऐसा कैसे हो सकता है, इसमें एक जने ने भी मास्क नहीं पहना। बड़ा अजीब सा लग रहा था मुझे। फिर मैंने देखा अरे यार उसके 15 दिन बाद ही क्या भूचाल मच गया था, क्योंकि तब मैंने नया नया ही व्लॉगिंग चैनल स्टार्ट किया था, याद है फरवरी में। तीसरा या चौथा ही था मेरा ताज महोत्सव वाला व्लॉग, और उस व्लॉग में मैंने अपनी फोन से शूट किया था पूरा, 32 GB वाले फोन से। और मैंने आप लोगों के लिए अपना पुराना पूरा डेटा अपने लैपटॉप में ट्रांसफर करके फिर उसके बाद में मैं फोन लेके गई थी, 32 GB वाला फोन। मुझे याद है ना गगन? याद है मुझे। चलो मिलते हैं, क्या होता है ताज महोत्सव में पहुंच के। ताज महोत्सव लगता है ताजमहल के पास में, वो कौन सी जगह है? वो ताज, जहाँ ताज महोत्सव लगता है वो कौन सी जगह है? वो ताजगंज, ताजगंज में लगता है। और जहाँ पे पार्किंग होती है ताजमहल के लिए मेनली, है ना, ताजमहल वाली रोड है ना भाई, उसी जगह पे लगता है। हाँ तो चलो फिर। और ये लगता है 18 तारीख से 27 तारीख तक, 18 फरवरी से 27 फरवरी नहीं, 10 दिन तक, 10 दिन का लगता है, तारीख डिसाइड नहीं होती। नहीं हर बार 18 फरवरी से 27 फरवरी लगता है, तारीख भी डिसाइड है। हाँ आई डिडंट नो। और 10 दिन तक लगता है, और आज हम जा रहे हैं 23 तारीख को, 23 ही है ना। चलो मिलते हैं वहां जाके, बाय। साला गजब बेइज्जती हो गई। यार कैमरा भी फोकस नहीं, फोकट में घुमाया, कैमरा फोकस नहीं कर रहा इतनी दूर। अरे मुझे लगा यार मुझे शेमारू की डबिंग करनी थी। अरे ठीक है यार रोज ही करते हो। ये देखो ये ताज महोत्सव से कम है क्या किसी की शादी हो रही है? देखो कितना सुंदर लग रहा है गुज्जे फोकट में। मैंने तो यार पूरी आपने क्या होता है उसकी अपने स्पीकर जो होते हैं, क्या कहते हैं उनको, क्या कहते हैं, ब्लूटूथ माइक्रोफोन ही होते हैं ना, उनको पूरा चार्ज किया, कैमरे की बैटरी चार्ज की कि ताज महोत्सव की वीडियो बनाऊंगी। साला ताज महोत्सव 20 मार्च से स्टार्ट है, 20 मार्च से वजह ही मुझ पे हीरोइन बन नहीं दी है। देखा था दोस्तों मैंने आपसे कहा था, इसने कहा था कि वो डेट फिक्स है। अरे यार मैंने देखा था उस दिन डेट फिक्स थी, मतलब उस दिन उसने तो 18 फरवरी लिखा हुआ था, अब पता नहीं यार कैसे हो गया। ठीक है चलो 20 मार्च में देखेंगे।
तब तो हम लोग शायद भिंड में होंगे तैयारियों के लिए, लेकिन तब भी एक महीना पड़ा होगा उसकी शादी में। दो दिन के लिए बीच में आके ताजमहल घूम जाएंगे, बीच में आके मम्मी को ले आएंगे, मैक पफ खाएंगे। नहीं यार मुझे नहीं पफ पफ खाना, मैं आलू टिक्की खा लेना यार। कोई घूमने की जगह बताओ जहाँ मैं व्लॉग कर सकूँ। चल 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 चल, नहीं यार प्लीज, मैं खा लूंगा बेबी। मैकडी जाना है, पार्किंग नीचे ही करनी पड़ेगी या बाहर कहीं? कहाँ से जाए? हम गए थे ताज महोत्सव, लेकिन ताज महोत्सव अभी लगा नहीं तो हम लोग आ गए मैकडी में। तो आप भी देखते हैं क्या ऑर्डर कर रहे हैं। और यहाँ पर ये इस तरीके से लगा हुआ, गगन यहीं से स्कैन करना है। हो गया हो गया हो गया मेरे उससे, ये रहा ये रहा, कॉन्टेक्टलेस। तो यहाँ पर ही टेबल पे स्कैनर लगा हुआ है, स्कैनर ही कहते हैं, क्यूआर कोड कहते हैं। क्यूआर कोड को स्कैन करना है और यहीं से ऑर्डर देना है। चलो देखते हैं क्या ऑर्डर करते हैं। मेरे को कुछ भी अच्छा नहीं लगा, एक डोसा मसाला बर्गर है वो मैं खाऊंगी। और ये आया यहाँ पर, तुम क्या खाओगे? मैं खा लूंगा। क्या खा लोगे? वो तो मुझे पता है कुछ भी खा लोगे। क्या खा लो? ऐड हो गया। ऑल राइट, एक्स्ट्रा चीज कुछ चाहिए? नहीं ठीक है, फिश वाली खा लो, फिलेट ऑफ फिश, फिलेट ऑफ फिश खा लो। चाहिए तुम्हें? नहीं, मैंने कहा तो मैं आइस टी। ये चाहिए? आइस टी, आइस टी। अच्छा आइस टी हो गया तेरा। डबल पैटी बर्गर, ये देख, ये तू मुझे मेरे मोबाइल से फोटो खींची है ना, ये देखा। हमारा ऑर्डर आ गया है। ये क्या बेबी? ये क्या है? ये आइस टी ये है। आइस टी ये? What the fuck is this? This is pizza mac puff. और मेरा कौन सा इसमें से? चलो हम खा लेते हैं। इतना लार्ज ग्लास कौन पिएगा बेबी? ये होगी आइस टी यार, मेरे को चेक करने दो। हैं? मैं इतना लार्ज कैसे पीऊंगा? और वो भी इतनी बर्फ वाला। गाड़ी में डाल लियो, तू ही पियो। दिस इज आइस टी, दिस इज कोल्ड ड्रिंक, दिस इज फ्रेंच फ्राइज, दिस इज बर्गर एंड दिस इज ऑल्सो बर्गर। बेबी तेरा ये है बर्गर वेज वाला, ये मेरा है और ये मैक पफ है। चलो तू ये ले दे, स्ट्रॉ ले ले। मैकडोनल्ड आए और इसके साथ फोटो ना खिंचवाई तो ब्लॉग पूरा नहीं होता, इसलिए मैंने इसके साथ में फोटो खिंचवाने का फैसला लिया है। और मेरा कैमरा पर्सन वहाँ तैयार है, तो जल्दी से फोटो खींच लेते हैं। तो चलो हमने मैकडी से अपनी पेट पूजा कर ली है और अब हम जा रहे हैं घर पे। और ये कौन सा टीडीआई मॉल है बेबी? ये टीडीआई मॉल। तो चलो भाई यहाँ पर मैं अपने वीडियो को यहीं पे एंड करती हूँ। क्या रख दिया यार, दब गया वो। तो एक मेरी फ्रेंड है, मतलब फ्रेंड नहीं सब्सक्राइबर है आज ही, और मुझे बोल रही है कि बिग फैन ऑफ यू। तो उसने बोला है कि प्लीज व्लॉग में मेरा नाम ले लेना। तो उसका नाम है अलीना। तो अलीना मैंने तुम्हारा नाम ले लिया और इसी व्लॉग में ले लिया जब तुमने अभी मुझे थोड़ी देर पहले मैसेज किया और ये बहुत तेज गाड़ी दौड़ा रहा है तो मुझे अपना कैमरा उठा लेना चाहिए। अलीना की रब से फरियाद। तो अलीना मैंने तुम्हारा नाम ले लिया और क्या बोलना था ये तुमने बताया नहीं, तो मैंने इसलिए सिर्फ नाम ही लिया तुम्हारा अलीना। और व्लॉग को यही पे एंड करती हूँ। सुनसान सड़कें हो चुकी हैं, ताज महोत्सव घूमने आए थे, मुझे लग ही रहा था पहले से, फीलिंग आ रही थी कि ताज महोत्सव नहीं होगा क्योंकि इतना ज्यादा शांत तो नहीं होता आगरा जब ताज महोत्सव होता है। तो चलो पर कोई ना, फिर भी इंजॉय किया, एक बाहर आउटिंग हो गई है ना। चलो व्लॉग को करते हैं यही पे एंड। वीडियो को लाइक कर देना, नहीं अच्छा लगेगा तो मत करना, डिसलाइक कर देना, पर कुछ तो करना। और कमेंट कर देना ज्यादा ही अच्छा लग गया होगा तो। चैनल को सब्सक्राइब कर देना, कल को यार 10 रुपए देने थे। चैनल को सब्सक्राइब कर देना और साथ में बने हुए बेल आइकन को भी प्रेस कर देना ताकि आपको मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। और क्या कह रहे हो?
10 रुपए देने थे यार, कोई पार्किंग वार्किंग नहीं थी वहाँ पे यार, पॉकेट में अंकल को, अंकल को ही बोलते ऐसे ही दे देने थे। अरे कोई ना, सोचो कि ऐसे ही दे दिए, उसका फायदा कर दिया, डोनेट कर दिए, चलो बाय। स्टार्ट है ये, यहाँ पर मेट्रो स्टेशंस बन रहे हैं, मतलब मेट्रो के लिए जो है स्टार्ट हो चुका है। ये कैमरे को क्या हो जाता है एंड टाइम पे, तो काम बहुत ही तेजी से चल रहा है और जल्दी मुझे लग रहा है जल्दी के जल्दी जल्दी ही सब कुछ स्टार्ट हो जाएगा, मतलब मेट्रो वाला काम। पर अफसोस हमारे दयाल बाग में तो नहीं आएगा, पर चलो कोई ना, दयाल बाग से वहां से ऑटो पकड़ के फिर मेट्रो में चले जाएंगे। तो ये पिलर खड़े कर दिए बड़े बड़े से, और यहाँ पर कई शहरों में पता नाइट लाइफ नहीं होती है, लेकिन हमारे आगरा में नाइट लाइफ बहुत अच्छी है। ये पिंच ऑफ स्पाइस है यहाँ का, बहुत ही अच्छा खाना है यहाँ का। शादी के बाद गगन ने पहली बार मुझे यहाँ खाना खिलाया था, पिंच ऑफ स्पाइस। अच्छा लगा था कि नहीं बबली? अच्छा था। और ये मेट्रो स्टेशन बना हुआ है देखो, मतलब अभी बना क्या है, अभी सिर्फ नींव रख दी गई है।